हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ वोडाफोन की सिम हम जियो में कैसे पोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर दीजिए कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। हमने जियो पोस्ट लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर आपको जियो टेल KYC पे जाना है, सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने मोबाइल टी यहाँ पर डन। डन करने के बाद कुछ इस तरीके का खुलेगा। आपको डिजिटल KYC में आधार पे टिक करेंगे, यहाँ पे बार कोड का आप आ जाएगा। यहाँ पे आप बार कोड सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो, अगर ओरिजिनल आपका आधार निकला हुआ है तो उसका बार कोड पूरे आने के चांस होते हैं। अगर बार कोड एक बार आ जाए तो पूरी डिटेल ऑटोमेटिक आधार की भरी जाती है उसमें। अगर आपका ये आप कुछ नोटिफिकेशन आ गई, इसको क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस करने के बाद ये देख लीजिए, आपके सामने मैं इसको बारकोड को ले पा रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ये कॉपी निकला हुआ है आधार। तो इस वजह से, जबकि बारकोड अच्छा है लेकिन फिर भी नहीं आ पा रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि फ़ोन के अपना ब्राइटनेस कम है तो उसको बढ़ा सकते हैं, वरना तो आप नॉन डिजिटल KYC पे आप जा सकते हैं। ये देख लीजिए, नीचे टिक करना है आपको। टिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट पर टिक कर देना है। सिलेक्ट यहाँ पे आधार टिक कर लेना है। आधार के बाद आपको आधार नंबर यहाँ पे डालना है। ये आधार नंबर आप डालने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरीके का आपके सामने खुलेगा। यहाँ पे आपको फ्रंट फ़ोटो लेना है आधार कार्ड का, जो भी आपके पास ID होगी उसका आपका फ़ोटो लेना है। वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन जो भी ID ले रहे हैं, ये आधार का हमने टिक कर रखा है, ये हम आधार का फ्रंट फ़ोटो ले लेते हैं। यहाँ पे याद रहे, फ़ोटो एकदम साफ आना चाहिए कि आपको पता चले क्या लिखा हुआ है, क्या नाम है, ये आपका पूरा पता होना चाहिए। ये देख लीजिए, मैंने आपके सामने फ़ोटो ले चुका हूँ। ये प्रोसेसिंग ले रहा है इमेज। इसके बाद यहाँ ऊपर आपको टिक कर देंगे तो ये चला जाए। उसके बाद आपको बैक फ़ोटो लेना है। बैक फ़ोटो लेंगे आप। बैक फ़ोटो लेने के बाद भी इस तरीके यूज दिस, इस पर टिक करने के बाद ये प्रोसेसिंग इमेज, फिर क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पर टिक करेंगे। नेक्स्ट पर टिक करने के बाद ये फिर कुछ इस तरीके का खुलेगा। यहाँ पे आपको कस्टमर का लाइव फ़ोटो लेना है। फ़ोटो याद रहे, फ़ोटो आपका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। अगर आपका वाइट नहीं है तो ये फेल कर देगा आपका सॉफ्टवेयर जो भी है जियो का। तो हम ये पीछे कस्टमर के पीछे यहाँ पे हम बैक वाइट पेपर लगा चुके हैं। और इसके बाद हमें फ़ोटो लेना है। ग्रीन पर आपको टिक करना है। ग्रीन के बाद ही आपका फ़ोटो सही आएगा। ये देख लीजिए आपके सामने, ये हमने फ़ोटो ले चुके हैं। इसको हम क्रॉस कर देंगे ऊपर। उसके बाद प्लीज वेट के बाद आपको फिर नेक्स्ट करना है। यहाँ पे हमारा एजेंट का फ़ोटो आता है, रिटेलर का। ये देख लीजिए आपके सामने, यहाँ पे भी आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। क्रॉसिंग ले रहा है। क्रॉसिंग लेने के बाद यहाँ पे आपको फिर क्रॉस पर टिक करने के बाद फ़ोटो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट पर टिक करने के बाद कुछ इस तरीके का आपके सामने खुलेगा। ये देख लीजिए, पूरी डिटेल आ चुकी है। यहाँ पे हम सिलेक्ट फैमिली मेम्बर सिलेक्ट कर लेंगे कि घर में जो भी मेम्बर है। उसके बाद यहाँ पे हम एक नंबर डालेंगे रेफरेंस के लिए, कि जो कस्टमर के नंबर मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगी। ये OTP इसी नंबर पर आपकी जाएगी। ये रेफरेंस के लिए नंबर होता है, ये देख लीजिए। उसके बाद हम यहाँ डिटेल देख लेंगे कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद डेट ऑफ बर्थ, ये कह रहा है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी डली भी नहीं है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं डेट ऑफ बर्थ जो आधार पे है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। ये देख लीजिए, जो हमारी आधार पे डेट है वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। डेट मई ईयर जो भी आधार पे है वही यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको प्रीपेड पर टिक करना है। यहाँ पे हमें प्लान सिलेक्ट करने हैं कि आपको कौन सा प्लान लेना है। तो इसमें जो अगर आप MNP कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके सामने MNP के प्लान दिखाएगा।
जो भी कस्टमर को MNP का प्लान कराना है वो MNP करा सकते हैं। यहाँ पे हम 149 की MNP सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देख लीजिए आपके सामने 149 आ रहा है, और आपका ये इसमें मेंबरशिप लगती है 99 रुपये की, तो वहाँ पे आपके 248 बैलेंस आपका वहाँ पे कटेगा। ये देख लीजिए हम यहाँ पे आपका 149 सिलेक्ट कर लेते हैं MNP। ये आपका 149 ये आ चुका है, इस पे हम टिक करें कर चुके हैं। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये नंबर मांगेगा, यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4, 5 डालना, उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे ये सिम की पूरी सिम का बारकोड लेना है। बारकोड ये आपके सामने ले चुके हैं हम। बारकोड लेने के बाद सिम का नंबर और आपका ये जो इसका IMSC आ जाएगा, यहाँ पे आपको MNP पे टिक करना है। जो वो नंबर था वो चला गया, अब कस्टमर का नंबर डालना है आपको, जो कस्टमर पोर्ट करा रहा है। ये आपके सामने मैं नंबर डाल रहा हूँ, कस्टमर का जो पोर्ट करा रहे कस्टमर वो नंबर डालना है। उसके बाद जो आपने कोड भेजा था कस्टमर को वोडाफोन की सिम से मैसेज जो किया था, वो यहाँ पे कोड डालना है आपको। वोडाफोन की है तो VD आएगा, तो देख लीजिए कस्टमर के फ़ोन में हम देख लेते हैं कि क्या कोड आया हुआ है। ये देख लीजिए ये कोड है, यहाँ पे ये कोड डालना है। ये मैं कोड डाल चुका, नीचे डेट एंटर डेट, यहाँ पे आपको डेट सिलेक्ट करनी है कौन सी डेट को किया था। प्रीपेड पर टिक करना है, यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो ये वोडाफोन यहाँ पे आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये कह रहा नीचे अदर कनेक्शन, इसको हम यस कर देंगे। और यहाँ पे जो कंपनी की सिम ये वोडाफोन हम कर चुके हैं, यहाँ पे आप ओके करेंगे नहीं ले रहा, यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। ये ऐड कर चुके हैं हम, ओके करेंगे। फिर ओके करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये आपके सामने कुछ इस तरीके का फिर इंटरफेस खुलेगा। ये आपका कस्टमर की पूरी डिटेल, अल्टरनेट नंबर और एड्रेस, पिन कोड और सिम का नंबर, ये सारा यहाँ पे टिक कर देंगे। डिटेल वेरीफाई कस्टमर प्रोड, उसके बाद कस्टमर के नंबर पे आपका OTP जाएगी जो हमने शुरू में डाली थी। शुरू में नंबर जो हमने डाला था उस पे OTP जाएगी कस्टमर के, और एक एजेंट पे आती है जो हम सिम बना रहे हैं। रिटेलर जो सिम बनाता है, एक रिटेलर के सिम पे आपका OTP आती है, जो भी कंपनी ने लापू नंबर आपको दे रखा है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कस्टमर OTP, और नीचे आ रहा आई है वो रेड द कस्टमर कॉन्टेस्ट। ये देख लीजिए हमारी OTP आ चुकी है, यहाँ एजेंट की OTP है ये रिटेलर की, तो रिटेलर की यहाँ पे हम OTP टिक कर देंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए नीचे की साइड जो है सिम के लास्ट डिजिट जो होते हैं 5, वो डालने एक छोड़ के, जैसे आपके लास्ट डिजिट हैं पहला छोड़ देंगे लास्ट वाला, उसके बाद जो है 5 डिजिट आपको यहाँ पे डालने हैं। ये देख लीजिए नीचे करेंगे हम, अभी कस्टमर के उस पर नहीं गई है, तो इस वजह से हम यहाँ पे आपका सिम के वो नंबर भर लेते हैं। लास्ट का एक डिजिट छोड़ के आपको यहाँ पे 5 अक्षर डालने हैं, 5 गिनती डालनी है। ये देख लीजिए मैंने डाल दी है। अब कस्टमर की OTP आ चुकी है, तो कस्टमर के हम OTP डाल लेते हैं। ये OTP हमने डाल चुके हैं, ओके करना है, फिर ओके करना है। यहाँ पे हमें वैलिडेट OTP पर टिक करना है। ये देख लीजिए आपके सामने कुछ इस तरीके का फिर इंटरफेस खुलेगा। ये देख लीजिए OTP वेल डन सक्सेसफुल, ये हमारा यहाँ पे सक्सेस हो चुका है, और यहाँ ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये आपका पूरा फॉर्म यहाँ पे आपके सामने खुल के आ जाएगा। जब ये सही तरीके से आपका फॉर्म खुल जाए, बैक वाला बटन आपको टिक कर देना है एक बार। बैक वाला ही जैसे आप बटन टिक करेंगे, कुछ इस तरीके का ये आपका प्रॉपर अपना आधार कार्ड अपडेट करेगा। ये देख पा रहे हैं आप, ये सारा अपडेट ले रहा है, जो भी आधार की डिटेल है, नंबर है, क्या एड्रेस है, पूरा वेरीफाई कर चुका है। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे आपका जो आपने MNP करी है वो यहाँ पे अमाउंट मांगेगा, तो यहाँ पे आपको अमाउंट
टिक करना है, ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से। ये देख लीजिए आप 248 के 990 की आपकी मेंबरशिप हो चुकी है और 149 का आपका प्लान है। तो ये आपके सामने कैश मांग रहा है, तो आप कैश पे टिक करेंगे, डन कर देंगे यहाँ पे आप, तो ये आपके अकाउंट से जो आपका जियो पोस्ट का अकाउंट है उससे बैलेंस आपका कट जाएगा। कटने के बाद ये आपका देख लीजिए डन हो चुका है, ऑर्डर सक्सेसफुली सबमिट ये आपके सामने है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि याद रहे कि आपने MNP कब करी थी। अब तो इस टाइम 2 से 3 दिन में आपका नंबर चालू हो जाता है MNP पे, तो मैंने स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। उसके बाद यहाँ आप डन कर दीजिए, डन करने के बाद ये आपका सिम पोर्ट हो चुका है। जैसे ही आपके वो नेटवर्क भागेंगे आप जियो सिम डाल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर इस वीडियो के बारे में कोई कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, या किसी और सिम के बारे में आपको कुछ पता करना है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप पता कर सकते हैं।